हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेफ्टी के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर बनाए गए हैं, कि जो भी आपके लास्ट 5 ईयर या 6 ईयर में जो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेफ्टी में क्वेश्चन आए हैं PTUP के सिलेबस में, एग्ज़ाम में, उसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। आप पता है आपको कि 18 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपने तैयारी करी ली होगी, कुछ बच्चे अभी कर रहे होंगे, तो मैं फिर भी ये है कि आप एक चेक कर लीजिए एक बार कि मैंने जो 20 क्वेश्चन बनाए आपने इनमें से ये क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं या कोई क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के प्रकार। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, चैप्टर वाइज ही मैंने क्वेश्चन को लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर इन इंस्पेक्शन, निरीक्षक के कर्तव्य, जो ड्यूटी फॉरमैन होते हैं, इंस्पेक्टर फॉरमैन होते हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ रखा है। दूसरी चीज़ बच्चों ये कि मैंने कुछ टॉपिक इनमें से पढ़ा रखे हैं, तो जो मैंने इसमें से पढ़ा रखे हैं उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा चाहे समझने के लिए तो वो देख सकता है, नहीं तो आप जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आप पढ़ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोशन इकोनॉमी, गति मितव्ययता के सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ज़रूर आप इसको ध्यान कर लेना, ठीक है। इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रो मोशन और मेमो मोशन स्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फ्लो प्रोसेस चार्ट एंड फ्लो डायग्राम। ये दोनों क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा रखे हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी आप ज़रूर पढ़ लेना, दोनों में डायग्राम है और थोड़ी थ्योरी है, ठीक है। इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल फॉरकास्टिंग एंड इट्स यूज़, विक्रय पूर्वानुमान एंड उसके उपयोग, ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। BTUP के पैटर्न का बच्चों ये है, पॉलिटेक्निक में मोस्टली कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आ चुके क्वेश्चन होते हैं वही वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको तैयार करने ही होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट रूटिंग शेड्यूलिंग डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप, ये प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के फंक्शन हैं, ठीक है, तो उसमें सारे फंक्शन नहीं थे, ये 3-4 फंक्शन जो है वो ज़्यादा बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लें, पथ निर्धारण, अनुसूचन, प्रेषण और अनुसरण। मैंने हिंदी में भी लिखा बच्चों, हिंदी में हो सकता है कहीं मुझसे गलत लिखा गया हो, कि कम लिखता हूँ मैं हिंदी में, तो बच्चों की सुविधा के लिए मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन थ्रू इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग, जो मटेरियल हैंडलिंग हम करते हैं उसके द्वारा समय और पैसे की किस प्रकार बचत होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर लिखा है संशोधित सामग्री हस्तांतरण व्यवस्था द्वारा समय तथा लागत में कमी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, सामग्री हस्तांतरण उपस्करों का अनुरक्षण, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं उनकी मेंटेनेंस किस प्रकार की जाती है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट, संयंत्र स्थल का चयन, मतलब जो प्लांट लगाते हैं हम, प्रोडक्शन प्लांट लगाते हैं, वो किस जगह लगाना चाहिए और उसे लगाने में कौन कौन से फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए, ये इनमें पूछा गया है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये भी मैंने पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट एडवांटेज डिसएडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दोनों ही लेआउट इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने पढ़ा रखी हैं, ये भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और ज़रूर इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण की उपादेयता, ये छोटा चैप्टर है, इसमें एक ही टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, और एक ये है क्या कहते हैं वैल्यू एंड फंक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट, मानकीकरण विभाग की भूमिका एवं कार्य, उनके क्या कारण कार्य होते हैं, मानक होते क्या है, मानकीकरण क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, क्वेश्चन आता रहता है एग्ज़ाम में। 14 क्वेश्चन है बच्चों TQM, ये आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, अगर आपको ध्यान हो TQM, इस सेमेस्टर में ये मतलब ये कई सब्जेक्ट में आ जाता है और जो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। और आगे चलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, गुण नियंत्रण तथा सांख्यिकी गुण नियंत्रण, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक बच्चों, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण, ये भी टॉपिक बच्चों दोबारा आया है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, यहाँ पे भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये भी मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद है
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेप्रिसिएशन एंड इट्स मैथड की विधि। डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसके कैलकुलेट करने के कितने मैथड हैं, तो सारे मैथड नहीं आएंगे बच्चों यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। वो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, या तो वो नाम से पूछ लेता है कि वो वाला मैथड बताइए, नहीं तो ऐसे पूछता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस इसको ज्ञात करने की किसी एक या दो विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको एक दो मैथड के बारे में पता होना चाहिए। अब ये एंड हो रहा है बच्चों पीडीएफ का, 17 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, आप ये 20 सेलेक्ट कर पढ़ लीजिए जरूर। जिस बच्चे ने तैयारी कर ली है वो फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर ले कि इनमें से कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, ये 20 जरूर तैयार होने चाहिए। उम्मीद है इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे क्वेश्चन जरूर। 18 देखिए, जनरल सेफ्टी डिवाइसेज यूज्ड ऑन मशीन, मशीनों पर लगने वाले सामान्य सुरक्षा उपकरण, ये जो मशीनों में सेफ्टी इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे बजर लगे हों, ठीक है, या कोई और इंडिकेटिंग डिवाइस हो, हॉर्न लगे हों, तो उनके बारे में ये है कि वो कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस लगते हैं। ठीक है, और लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, एक्सीडेंट एंड दियर कॉजेज, दुर्घटना क्या होती है और इनके क्या कारण होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, और एक ये है जो वैल्यू इंजीनियरिंग एंड टेक्निक, मूल्य अभियांत्रिकी क्या है तथा मूल्य विश्लेषण तकनीक कौन कौन सी होती हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन आप एक साथ ही पढ़ सकते हो, एक ही टॉपिक है उसमें चैप्टर में। ठीक है, तो ये है बच्चों, तो ये मैंने आपके सामने 20 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेफ्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रखे हैं, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएंगे। ठीक है, अगर बच्चों आपको ये हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये चैनल, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ तो, और ये चैनल पे जो भी बातें आएंगी वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड होंगी, तो उन्हीं बच्चों को हेल्पफुल होंगी। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए गुड लक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।